चैप्टर नंबर 6 वीनों के पद्यों के फर्स्ट एंड सेकंड वर्सेस। ओके, आज हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 1 जो है, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा ऊर्जां पेक्षति, कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रह। सदा वक्री मीन्स ऑलवेज क्रूड, सदा क्रूरः मीन्स ऑलवेज क्रूअल, सदा ऊर्जां पेक्षति एंड ऑलवेज वो ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी सर्व्ड एंड फेलिसिटेटेड। कन्या राशि स्थित मीन्स इन द रेसिडिंग इन द कन्या राशि, नित्यम ऑलवेज जामाता दशमो ग्रह। जामाता मीन्स सन इन लॉ, दशमो ग्रह मीन्स टेंथ प्लैनेट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ऑलवेज क्रूड क्रूअल एंड ऑलवेज रेसिडिंग इन कन्या राशि, हु ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी सर्व्ड एंड फेलिसिटेटेड अ सन इन लॉ इज द टेंथ प्लैनेट। मीन्स जो जवाई होता है जिसने कन्या से शादी की है, ओके, वह हमेशा ही अपने ससुराल में उसका मान पान उसका आदर सत्कार होता रहे, उसकी वो एक्सपेक्ट करता है। यदि उनके मुताबिक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यदि बिहेव ना किया गया, उनका आदर सत्कार ना किया गया, तो वो नाराज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे जवाई को नाइन्थ जो प्लेनेट है उसके बाद का प्लेनेट दसवां, ओके, दसवां ग्रह के समान बताया गया है। ये पहले की बात है, अभी ऐसा कुछ होता नहीं है। सेकेंड वन, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः, यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकारते। टका मीन्स मनी, टका धर्म मीन्स मनी इज रिलीजियन, टका कर्म मनी इज ड्यूटी, टका ही परमं तपः मीन्स मनी इज द हाइएस्ट पेनांक। यस्य हस्ते टका नास्ति मीन्स द वन इन हूज हैंड देयर इज नो मनी, हाटके टकटकायते वंडर्स एमलेसली, यानी कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसके पास पैसा नहीं है वह ऐसे ही बिना किसी एम के भटकता हुआ वापस आ जाता है। मानो कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मानो कि मुझे कुछ बाजार में खरीदने के लिए जाना है और मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं पैसे के बिना क्या चीज खरीद पाऊंगी, कोई भी नहीं ना, है ना। फिर ऐसे ही घूमते हुए वापस मैं घर पे आ जाऊंगी, यानी कि बिना पैसे की मनुष्य ऐसे ही भटकता हुआ वापस आ जाता है, यानी कि पैसे को ही सब कुछ बताया गया है। ओके, ये दो हमने देखे थे, आगे बढ़ते हैं नंबर 3। आपको मेरे साथ रिवाइज करना है और गन भी करना है। घटम बिंद्यात पटम छिंद्यात पुर्यात्र सभारोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धि पुरुषो भवेत्। घटम मीन्स एन अर्थान पॉट, घटम एन अर्थान पॉट, बिंद्यात बिंद्यात मीन्स व्हाट शुड ब्रेक, ओके, पटम मीन्स क्लोथ, छिंद्यात मीन्स शुड टेयर फाड़ना, रासवह मीन्स व्हाट डोंकी, आरोहण मीन्स राइडिंग ऑन, आरोहण करना मीन्स ऊपर बैठना चढ़ना, राइडिंग ऑन, कुरिया मीन्स डू, ये न केन प्रकारेण मीन्स किसी भी तरह से, बाय हुम और बाय क्रूक, प्रसिद्ध भवेत मीन्स टू बिकम फेमस। तो क्या कहा गया है, घटम बिंदा मीन्स बाय ब्रेकिंग एन अर्थन पॉट, पटम छिंदा बाय टेयरिंग क्लोथ, कुरियार रासवह रोमन मीन्स बाय राइडिंग ऑन डोंकी, येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत, पुरुषो मीन्स मैन शुड बिकम फेमस इन एनी विच वे, ओके, जिसको प्रसिद्धि ही चाहिए वो किसी भी तरह प्रसिद्धि पा लेता है, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत, है ना।
तो ऐसे लोगों पर यहाँ पर व्यंग किया गया है ना, ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है। ओके, के जो मटका है वो भी तोड़ देता है, अपने कपड़े भी फाड़ देता है, गधे पर यदि बैठना हो तो वो भी वह हिचकता नहीं है, बैठ जाता है इजी, है ना। तो जिन मनुष्य को प्रसिद्धि ही पानी है, उनका एम प्रसिद्धि पाना ही होता है, वह किसी भी तरह प्रसिद्धि पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको। नंबर फोर देखते हैं, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः। अगेन आई विल रिपीट, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः। तो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं, उष्ट्र मीन्स कैमल एंड उष्ट्राणाम मीन्स इन ऑफ कैमल, उष्ट्राणाम मीन्स ऑफ कैमल, ही मीन्स रियली, विवाहेषु मीन्स इन द मैरिज। ओके, गीतं गायन्ति मीन्स सिंग सॉन्ग्स। ओके, गर्दभाः, गर्दभाः मीन्स डोंकीज, गर्दभाः मीन्स डोंकी, गर्दभाः हियर इज द प्लूरल, तो डोंकीज। परस्परम मीन्स ईच अदर, प्रशसन्ति मीन्स प्रेज, अहो रूपम ओ व्हाट अ ब्यूटी, अहो ध्वनि मीन्स ओ व्हाट अ स्वीट वॉइस। ओके, तो यहां पर कैमल और डोंकी की बात की गई है। ओके, पहले ट्रांसलेशन देखते हैं, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु मीन्स रियली गीतं गायन्ति गर्दभाः मीन्स डोंकीज सिंग सॉन्ग इन द कैमल्स मैरिज। ओके, परस्परं प्रशसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, द प्रेज दे प्रेज ईच अदर, क्या आएगा, दे प्रेज ईच अदर, ओ व्हाट अ ब्यूटी, ओ व्हाट अ स्वीट वॉइस। यानी कि यहां पर कैमल और डोंकी की बात की गई है ना, कैमल का मैरिज है और उसके मैरिज में डोंकी गीत गा रही है, दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक कहता कि वाह कितने अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे तू, और दूसरा कहता है कि वाह कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, मतलब ऊंट और गधे के एग्जाम्पल के द्वारा इस वर्सेस में पोएट ने किस पर कटाक्ष किया है, तो ऐसे उच्च अधिकारी जो कि कद्रू पे होते हैं, है ना, और ऐसे लोग जो खुशामत खोर होते हैं, है ना, खुशामत खोर होते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को ऊंट और गधे के समान यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा में ही व्यस्त रहते हैं, रमे रहते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड बोथ थर्ड एंड फोर्थ वर्सेस। ओके, इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल आई विल एक्सप्लेन लास्ट टू वर्सेस।